हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, मैं आज आया हूँ सरसैया बाबा के स्थान पे, और ये जो है स्थान गाजीपुर ज़िले के सहेड़ी ग्राम में पड़ता है, और यहाँ पे मैं इनका महिमा बहुत काफ़ी सुना भी हूँ, और आज मैं मौके से यहाँ पे आ गया हूँ बाबा के स्थान पे। और यहाँ पे किसी दिन अब हम यहाँ के जो मंदिर की देख रेख करते हैं उनसे मिलेंगे, हम बात करेंगे उनसे कि यहाँ पे कब जो है भीड़ लगती है और कितनी जनसंख्या में यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं। और मैं आज संडे था तो आज संडे को मैं आ गया हूँ और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, बाकी ऐसे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मैं अगर अभी आगे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे किस रास्ते से जो है ट्रेन से अगर आना चाहते हैं आप लोग तो किस तरह से आएंगे, और अब बस से आना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से आएंगे। मैं यहाँ के कार्यकर्ता के जो मंदिर की जो देख रेख करते हैं उनसे भी मिल के आप लोगों को जो है यहाँ की सारी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने देख रहा है, ये सामने जो है मंदिर है, इधर ये करकट का जो है पंडाल बना हुआ है, इधर इसमें जो है शिव चर्चा भी होता है, तो फील्ड बना है, इधर देखिए हैंडपम्प है, उधर टंकी बना हुआ है, और इसमें जो पानी भरा पानी पीने के लिए, और हैंडपम्प भी लगा हुआ है, इधर खेत भी है। तो दोस्तों, अभी आप लोग हमारे साथ बने रहिए। पहले मैं एक बार मंदिर का चारों तरफ का मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ, किस तरह से जो है मंदिर का जो है कहाँ पे बना हुआ है, कैसे है। पहले मैं मंदिर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ, और इसके बाद मंदिर का निर्माण कब से हुआ और यहाँ सरसैया बाबा की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, और क्यों लोग यहाँ पे जो है ज़्यादा जनसंख्या में आते हैं, और मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, तथा कमेंट में कोई राय हो तो ज़रूर अपना राय दीजिएगा। दोस्तों, तब तक अभी देखिए व्यू, और मैं फिर इसके बाद व्यू के बाद मैं मिलवाता हूँ आप लोगों से पुजारी। तो दोस्तों, आप लोगों ने मंदिर का पूरा व्यू देखा, और हम देखिए पुजारी बाबा जी हैं यहाँ के जो देख रेख करते हैं, हम इनसे जो है बात करेंगे, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो बाबा जी, आप अपना नाम परिचय बताते हुए एक बार बताएं कि जो है ये मंदिर का उत्पत्ति जो है कब से हुआ, कब से निर्माण कितना साल हो गया? अरे, इसका निर्माण जो है 8वां बरिस हो गया।
आठ बरिस पहले का मंदिर बना हुआ है? नहीं, आठ बरिस हो गया इसको। अच्छा। फाइनल तो परसाल हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें धीरे धीरे बन रहा था। किस नाम से? सरसैया बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। सरसैया बाबा के नाम। तो सरसैया बाबा का नाम क्यों पड़ा? सरसैया बाबा क्यों नाम पड़ा? सरसों में उत्पत्ति इनकी है। अच्छा। सरसों में पूरा इनका चित्र था। अच्छा। भोलेनाथ जी का, आदि शक्ति माता का, माता काली, माई दुर्गा, और इन लोगों का उसमें उत्पत्ति थी। यही लोग हैं भोलेनाथ जी। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा खेत आप ही का है क्या? खेत? हाँ, ये जो है 3.5 बीघा का चक अपना है। अच्छा, बीच प्लाट। हाँ, बीच प्लाट में इनका है, क्योंकि इतना ये विश्वास दे दिए हैं। हाँ। कि हम लोगों को मानना जरूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना विश्वास है काफी। अच्छा, तो ये कितने लोग आते भी होंगे? बहुत आदमी आते हैं, फैजाबाद से आते हैं, कोई आ रहा है समझ लीजिए बड़हरगंज से, कोई रसड़ा से, कितने आदमी गोरखपुर से। अच्छा। बम्बई तक आए हैं लोग। बम्बई से आए हैं। बम्बई की एक लड़की की तबीयत खराब ही इसी जगह आई, मारुति से आ, 2 घंटा में ठीक हो गई या फिर चली गई, या फिर साल भर पर लोग आते हैं, इनकी पूजा करते हैं हमेशा। तो जो भाई इनकी पूजा कर रहा है उसके सामने खुद आ जाएगा। हाँ, वो तो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे लोग किस दिन आते हैं ज्यादा जनसंख्या? ज्यादा जनसंख्या में शनिवार को आते हैं। शनिवार को यहाँ पे शिव चर्चा भी होती है। शिव चर्चा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। तो मंदिर का अंदर से थोड़ा सा दिखाएंगे किस तरह से हो जाएगा, अंदर से व्यू थोड़ा दिखाइए। आइए। हाँ, ये जिसका मन, अरे तमाम घंटा है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे एक कोई मन्नत किया था जो कि मंगल सूत्र चढ़ाया था उस। हाँ, वो एक है यहाँ का डिलिया, इसी जगह है गाजीपुर जिले में। हाँ, वो कहा कि हमारी अगर किसी अधिकारी से शादी हो जाएगी तो मैं कुछ अथवा करूंगा, तो उसकी अधिकारी से शादी हुई, मंगलसूत्र चढ़ाया। मंगलसूत्र चढ़ाया, जो जो भाई कहा है उसका मन्नत पूरा जी। तो दोस्तों देखा, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, अपना जो है मन्नत जिस तरह से जो है माना गया माना है उस तरह से जो है अपना चढ़ावा यहाँ पे करता है। यहाँ पर बिहार से लोग आते हैं। अच्छा। जो कर्मनाशा नदी पार से यहाँ, वहाँ एक लंगर था और पैर से बनारस गया बेटी में, कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे तो पर तुम्हारा काटना पड़ेगा, और वो लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन आया यहाँ 8 दिन रहा, 8 दिन में पर आज ठीक हो गया। इसी से यहाँ पर भीड़ मचती है, तमाम यहाँ पर आदमी ठीक हो रहे हैं। तो ये शनिवार को ही केवल बस, और बाकी दिन? बाकी दिन भी आते हैं आदमी। और कोई आना चाहेगा बाकी दिन? किसी दिन आ सकता है, लेकिन शनिवार को दिन भीड़ रहती है। अच्छा। शनिवार और सोमवार। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आने के लिए रास्ता क्या? सेहड़ी हाल्ट स्टेशन है, बगल में सेहड़ी मोड़ है, उस जगह उतर करके यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये नंदगंज और गाजीपुर के बीच में सेहड़ी हाल्ट यानी छोटा स्टेशन है, वहाँ आप डीएमओ से या पैसेंजर गाड़ी आके रुकती है, मेल गाड़ी तो नहीं रुकती है, और उस गाड़ी से आप सेहड़ी हाल्ट पे उतरेंगे, और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है, और आप स्टेशन से देखेंगे तो आपको सामने जो है सरसैया बाबा का मंदिर जो है दिखाई देगा। तो यहाँ से उतर के आप लोग आ सकते हैं, और बस से आएंगे तो आप बोल देंगे सेहड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास, वहाँ पर भी उतर सकते हैं, और वहाँ से उतर के जो है मात्र वहाँ से भी 1 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से भी आ सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पता है तो किसी से भी पूछेंगे इधर उतरने के बाद, या आप बस में या ट्रेन में किसी से भी चर्चा करें कि नहीं हमें सरसैया बाबा के स्थान पे जाना है, तो सब लोग बता देंगे, आप लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बनारस से भी अगर आना चाहते हैं तो बनारस से भी आके गाजीपुर के लिए जो है ट्रेन पकड़ेंगे, गाजीपुर यानी नंदगंज स्टेशन के बगल में है सेहड़ी हाल्ट, वहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है बाबा का स्थान है, और अंदर का व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे परिक्रमा भी करना, कैसे पूजा लोग कैसे यहाँ पे करना होगा क्या? यहाँ 5 फेरा घूमते हैं, नमः शिवाय से इनका पूजा। अच्छा। करते हैं। और कुछ चढ़ावा के लिए? कुछ नहीं, वही जो है लाई रमजाना चल रहा है। अच्छा। आज जिसकी जो इच्छा है तुम चढ़ाए, और नमः शिवाय से इनका होम हो रहा है। तो दोस्तों अभी मंदिर ऊपर भी बना है क्या? मंदिर ऊपर अभी तो नहीं, अभी रखा गया ना, मंदिर तो ऊपर तक तैयार है, लेकिन उनमें अथवा कुछ नहीं रखा गया। तो एक बार दिखाना चाहेंगे इसे? तो दोस्तों आइए मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, किस तरह से जो है ऊपर का भी निर्माण हो रहा है। अच्छा, नीचे के बाद ऊपर बनाने निर्माण तो इसका हो चुका है। अच्छा, लेकिन को लथुआ करना है, मूर्ति लिया कर बैठाना। अच्छा, यहाँ पे भी नीचे का ही मूर्ति, यहाँ पे भी बैठा जाएगा कि अलग दूसरी मूर्ति है? यही मूर्ति उन्हीं की आएगी ना। अच्छा, तो नीचे भी स्थान रहेगा, ऊपर भी दोनों? अच्छा। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, अभी यहाँ पे निर्माण कार्य जारी है।
ऊपर इधर सोने बैठने की भी व्यवस्था है। अगर आप लोग मान लीजिए अगर रात हो जाता है, कोई दूर से आता है तो उसके लिए फिर उसके लिए भाई इसी जगह आदमी सब है, टिक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपना रह सकते हैं। रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। तो बाकी और क्या, अब आप लोग आए यहाँ पे और बाबा की कृपा आप लोग के भी ऊपर हो और हम यही चाहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग विदा लेना चाहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।